हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर। तो आज मैं ये बातें करने वाली हूँ कि कब से आप रजिस्ट्रेशन जो ओपनिंग फॉर्म है वो आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी और कौन कौन से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको याद रखने हैं। तो आज ये पूरा डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं ये। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफ़र, अन अकेडमी पिनिकल, जिसके थ्रू आपका जो अचीवर्स है उनको उनके साथ कॉम्पीट करने का आपको मौका मिलेगा। एक यूनिक टेस्ट सीरीज आपकी क्यूरेट की जा रही है जो नीट यूजी के प्रीवियस ईयर के टॉपर स्टूडेंट्स है। तो ये 17 अप्रैल को आपका स्टार्ट होने वाला है इवनिंग 2 PM। तो आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कीजिएगा अभी, और जो इनरोलमेंट है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री रहे। तो अचीवर्स, जो प्रीवियस ईयर्स के अचीवर्स रहे हैं उनसे लर्न करने का आपको मौका मिलने वाला है। जैसे सोएब आफ्ताब, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए हैं। तो ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप रैंक देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू ही आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूरेट की जाएगी। तो शेड्यूल किया गया है आपका 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 1 मई, 8 मई, 15 मई, 22 मई, 29 मई, 5 जून, 12 जून, 19 जून, 26 जून एंड 3 जुलाई को एवरी संडे आपका ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको देखना है, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज किन कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो पूरा आपका दिया गया है, ठीक है। फुल सिलेबस 26 जून और 3 जुलाई को फुल सिलेबस 12th का आपका करवाया जाएगा। और जो एवरी संडे जो होगा वो स्ट्रेटेजी रखी जाएगी जो टॉपर्स है उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है। तो फ्रेंड्स, और अगर आप कोई भी एक कोर्स लेते हैं तो आप लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर है नीट यूजी 2022 के लिए अन अकेडमी की तरफ से। तो आज ही लीजिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, और इस 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर पाइए 3 मंथ का एक्सटेंशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। तो यदि फ्रेंड्स आप कोई भी अन अकेडमी का फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप प्रिया 2010 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगा। और साथ में यदि आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो भी आप प्रिया 2010 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यदि नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अन अकेडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नीट 2021 को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। सबसे पहले, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2021 की और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं, तो आपका एनटी के थ्रू नेशनल टेस्टिंग अभ्यास एक ऐप जारी किया गया है। उस ऐप के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। और पहले क्या था कि जो नीट अभ्यास ऐप था उस ऐप के ऊपर आपको ओनली सभी सब्जेक्ट का मतलब पूरा जो पेपर था वो आपको मिलता था, लेकिन अभी सब्जेक्ट वाइज भी आपका कर दिया कि आप पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगर प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से डायरेक्टली आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप अपने सिस्टम में या फिर आप अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, कब से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको याद रखने जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं कि पॉइंट्स की आपको ज़रूरत होगी, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। नीट 2021 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से आपका होगा, तो जो लास्ट ईयर के जो नीट यूजी के फॉर्म अप्लाई हुए थे सेम उसी के बेस पर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, उसके बाद जो रजिस्टर करने के बाद नीट एप्लीकेशन आईडी जो है वो आपकी जनरेट होगी, वो आपको नोट कर लेना है। और जो पेमेंट रहेगी वो भी आपको
आपको एप्लीकेबल जो पे करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कितना पे करना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा आपका 1500 जो अमाउंट है वो, ठीक है। अब देखिए कौन से 10 पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा वो ntneet.nic.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये जो लास्ट ईयर के रूल्स रहे थे वही सेम रूल्स रहेंगे एलिजिबिलिटी का, नीट यूजी का, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको 12th पास होना जरूरी है, अपियरिंग होना चाहिए आपका, अपियरिंग भी आपका चल जाएगा 2021, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोटेक्नोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या रखा गया है, एज रखी गई है 17 and 25 years इन बिटवीन, ठीक है। मिनिमम 17 years और मैक्सिमम 25 years एज होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पर, और फर्स्ट ईयर यूजी मेडिकल कोर्सेज के अंदर ये एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है। जो रिजर्व्ड के कैटेगरी है उनके लिए 5 year का रिलैक्सेशन अलाउ किया गया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या दिया गया है कि नीट 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट होंगे बिलोंगिंग द जनरल कैटेगरी मस्ट हैव स्कोर 50% इन क्लास 12th एग्जाम। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनके जो मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, अदरवाइज वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 50% मांगा गया है। उसके बाद नीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको जो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, और जो सिस्टम है वो जनरेट करेगा कैंडिडेट की यूनिक एप्लीकेशन आईडी, तो जनरेट करके देगा, वो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होगी स्कैंड कॉपी और पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर की, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट रहेगा उसमें आपको सबसे पहले वो सेट रखना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 अगस्त को होने वाला है, ये आप सभी को पता है, और पेन पेपर मोड में आपका होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। और जो नीट 2021 का एग्ज़ाम होगा वो टोटल 11 लैंग्वेजेस में होने वाला है फ्रेंड्स इस बार। और जो 11 लैंग्वेजेस होगी वो कौन कौन सी होगी, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, गुजरात, बंगाली, मराठी, ओडिया, कन्नडा, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इनमें से आप मीडियम चूज कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी आपसे मीडियम भी पूछा जाएगा, तो आप इनमें से सिलेक्ट करने के बाद मीडियम फिल करेंगे। उसके बाद जो पेपर आएगा आपका, जो भी आपने मीडियम आप सिलेक्ट करते हैं वो सेम पैटर्न के अंदर ही आपका, सेम मीडियम में ही आपका पेपर आपके सामने रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन फिलिंग द नीट फॉर्म कैन ऑल्सो विजिट द कॉमन सर्विस सेंटर। अगर नीट फॉर्म को फिल करते टाइम आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर कैंडिडेट्स कैन फिल द नीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट ऑनलाइन, ठीक है। तो वहीं पर उनकी हेल्प से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ntneet.nic.in है उसके ऊपर आपको विजिट करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपके आपका जो नेम, पेरेंट नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह होगी वो सब आपको वहां पर एंट्री करनी है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा उससे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है वो आपको फिल करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रीवियस एग्जाम अगर आपने दिया था, ठीक है, तो वो सब आपको वहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गई, स्कैंड इमेजेस हो गई, और जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उन सबको आपको अपलोड करना है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट उन्हें दिया गया है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑनलाइन मोड में आपको पे करनी है, और जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट का ऑप्शन आएगा नीचे, आपको वो वहाँ पर सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने का। अब आप कब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनका यही क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम डेट काफ़ी पहले अनाउंस हो चुकी कि एग्जाम आपका 1 अगस्त को होगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। बस ये बोला जा रहा है कि अप्रैल में ही जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंडक्ट करवाया जाने वाला है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की जैसे ही स्टार्टिंग डेट आती है या जैसे ही
अनाउंसमेंट आती है, मैं अपने चैनल के ऊपर उससे रिलेटेड अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपडेटेड रहे आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।